मैंने आपको कक्षा 11वीं वे आंखें के बारे में पढ़ाया, उनका भावार्थ समझाया, काव्यखंड पढ़ाया, और जो सुमित्रानंद जी पंत हैं जिन्होंने वे आंखें कविता को लिखा है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, उन जीवन परिचय बताया, और जो काव्य है उनका सारांश भी आपको समझाया। अब मैं आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है, आम तौर पर हमें किन बातों से डर लगता है? उसका जो उत्तर है, आमतौर पर हमें जीवन की उन घटनाओं से डर लगता है जिसमें हमारे अपनों की मृत्यु, अपमान और कठिन परिस्थितियों का सामना करना, अत्यधिक कष्ट भोगना इत्यादि घटनाएं शामिल होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उन आँखों से किसकी और संकेत किया गया है? जो इसका उत्तर है, जो प्रस्तुत पाठ है या कविता है वे आंखें, उसके अनुसार उन आंखों से किसानों की दयनीय स्थिति या हालत की ओर संकेत किया गया है। और जो तीसरा प्रश्न है, कवि को उन आंखों से क्यों डर लगता है? तो इसका जो उत्तर है वो मैं आपको बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देखिए और समझिए। प्रस्तुत पाठ या कविता के अनुसार कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उन आंखों में शोषण, निराशा, दुख, रुदन, पीड़ा आदि के सिवा कुछ भी नहीं है। चौथा जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों में की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? इसका जो उत्तर है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि दूसरे लोग भी किसान की दयनीय वा वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके। किसानों की जिस पीड़ा का अनुभव कवि को हुआ है उस पीड़ा या दर्द को हर कोई महसूस कर सके। और पांचवा जो प्रश्न है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता क्या तब वह भी कविता लिखता? इसका जो उत्तर है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता शायद तब भी वह कविता लिखता क्योंकि कविता लिखने के लिए मर्म या भाव का होना आवश्यक है जो किसी भी परिस्थिति के अनुकूल हो सकता है। छठवां जो प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? इसका जो उत्तर है, प्रस्तुत पाठ के अनुसार कविता में किसान की पीड़ा के लिए शासक वर्ग, साहूकार, महाजन, कोतवाल आदि को जिम्मेदार
बताया गया है। सातवां है जो प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक लाती है, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? ये प्रश्न है और इसका उत्तर इस प्रकार है, मैं आपको इसका उत्तर बतला रहा हूँ। जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता वे आँखों से ली गई हैं। किसान का भी एक भरा पूरा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु या बहू आदि सभी शामिल थे। किसान अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके अपने खेत थे, गाय और बैल भी थे। अतः उक्त पंक्तियों में इन्हीं सुखों की ओर संकेत किया गया है। जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। उसका जो शब्द है उसके बारे में बतला रहा हूँ। तृण तिनका, आँखों का तारा, बहुत प्यारा होना, महाजन, साहूकार, ऋणदाता, कौड़ी एक पैसा, उजड़ी सफेद उजाला, सेवा बिना अलावा, दुहाने दूध देने के लिए, आह आह आँखों में नाचना, बार बार सामने आना, दवा दर्पण दवा आदि, शुद्ध कर याद करना, स्मरण करना, सांप लौटते अत्यधिक परेशान होना, फटती छाती बहुत दुख होना, चमक लाना, खुशी लाना, सून आकाश, दुर्मोही नन्ही नवजात, पतोहू पुत्रवधु बहु, लक्ष्मी लक्ष्मी, घातिन मारने वाली, पैर की जूती उपेक्षित, कुर्क नीलामी बोली लगाना, वरघो बैलो, घरनी घरवाली, पत्नी अर्धाग्नि जोरू, गुहा गुफा, सरीकी समान, दरुण निर्दय कठोर, चितवन दृष्टि नजर, बेदखल हिस्सेदारी से अलग करना, कारकुन जमींदारों के करिंदे, दैन दीनता गरीबी, नीरव शब्द रहित, स्वाधीन स्वतंत्र आजाद, स्वाभिमानी गर्व, मझधार समस्याओं के बीच में, कागार किनारा, सदस्य समान, दृढ़ आंख, तुन तिनका। बच्चों वे आंखें जो एक बहुत ही मार्मिक किसानों के जो स्थिति है, जो शोषण हुआ है उनका, और इनकी जो बहुत ही दयनीय स्थिति है उसके बारे में इनके जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा अपने शब्दों में इस कविता को लिखा है, और उनकी पूरी जो भावनाएं हैं, जो उनकी जो संवेदनाएं हैं, वो किसानों के साथ हैं, और पूरी सहानुभूति भी किसानों के साथ हैं। उनके मन में किसानों के लिए जो पीड़ा थी उनको अपने शब्दों में उन्होंने वे आंखें कविता में वर्णित किया है, शब्द दिया है, क्योंकि किसान की जो समस्याएं हैं उसके बारे में समाज में
देश में, प्रदेश में, और जो हमारे जनता है सबको किसान की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए हैं। बच्चों आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।